राइट और टॉप से बॉटम, और यू कैन एक्सपेंड एनी रो एनी कॉलम एज पर योर चॉइस. इनफैक्ट इट इज कन्वीनियंट टू गो लाइक दिस, नॉट नेसेसरी. वी कैन एक्सपेंड दिस ऑल्सो, वी कैन एक्सपेंड दिस ऑल्सो. सिमिलरली वी कैन एक्सपेंड फर्स्ट कॉलम, वी कैन एक्सपेंड सेकेंड कॉलम, वी कैन एक्सपेंड थर्ड कॉलम. तो चिल्ड्रन इफ वी एक्सपेंड सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो, प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, और देखिए जीरो आ गया. बट आप सोच रहे होंगे सर कुछ तो आइडिया कर रहे हैं आप, ठीक है? कोई आइडिया नहीं कर रहा, वो तो मोबाइल में होता है, राइट? चलिए हम इसको एक्सपेंड करके दिखाते हैं आपको. टेकिंग वन ओनली, देखिए अभी आप, दिस इज वन. नाउ सी हियर चिल्ड्रन, व्हाट वी गेट? डिटरमिनेंट, सामने का रो कॉलम कैंसिल, जीरो फाइव जीरो वन. देन वी टेक दिस माइनस टू, दिस कैंसिल, जीरो फोर जीरो वन. देन वी टेक थ्री प्लस थ्री, दिस कैंसिल, इट इज 0405. और अब एक्सपेंड करेंगे 1. देखिए चिल्ड्रन, 0 माइनस 0 इट इज 0, 0 माइनस 0 इट इज 0, 0 माइनस 0 इट इज 0, फाइनली 0 माइनस 0 प्लस 0 रिमेन 0 हो गया. सो देयरफॉर प्लीज रिमेंबर, इन एनी डिटरमिनेंट, इफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम having all elements zero, सभी zero होना चाहिए, direct उसकी value आप zero लिखेंगे, no explanation required. सिर्फ आपको reason क्या देना होता है, direct लिखेंगे this equal to zero, और यहाँ पे आ जाएगा by property. property mention नहीं करना है, just you have to write by property. ठीक है, ये एक property होगी, no something here, पहले आप देखिए. other property, you can say property number two. In any determinant, if any two rows or two columns are identical, what do you mean by identical? Yeah, identical mathematical word is same. Identical means same. In any determinant, if any two rows or two columns are identical, again the value of the determinant is zero. Just ye dekhiye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, again 1, 2, 3. चलो यहाँ देखिए दोनों कॉलम सेम है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो होगी, सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा एज सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल. नॉट ओनली फॉर कॉलम, सपोज टू रोज आर द सेम. अनदर एग्जांपल, 259 311 259, अगेन द वैल्यू इज जीरो बिकॉज दिस टू आर द सेम. चेक कर लीजिए whether it is or not, expand करके लेके चेक करेंगे. टेक वन चिल्ड्रन, क्या आएगा? सामने का रो कॉलम कैंसिल, 5 6 2 3. देन माइनस 4, रो कॉलम कैंसिल, 2 3 2 3. प्लस 1, रो कॉलम कैंसिल, 2 3 5 6. सॉल्व करके देखिए, ये तो 1 है, 5 into 3 15, माइनस 12 इट इज 3, 6 माइनस 6 0, 12 minus 15 minus 3. Now it is 3 minus 0 minus 3 cancel and it becomes 0. So therefore no need to expand it. आपको mention करना है. Direct अगर ऐसा आएगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे equal to 0 as C1 and C3 are identical. इसमें क्या लिखेंगे? As R1 and R3 are identical. आपके mind में question आ रहा होगा sir. ये दोनों नहीं हो सकता है कैसे? एनी टू, आइदर फर्स्ट रो सेकंड रो और सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, एनी टू, नॉट नेसेसरी. थ्री रोज थ्री कॉलम्स है, एनी टू अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? नो इशू एट ऑल, इज इट ओके? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, इन एनी डिटरमिनेंट, नहीं नहीं एनी, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, एनी एनी रो एनी कॉलम. यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट रो थर्ड ही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड सेम हो सकते हैं, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, एनी टू रोज. स्टेटमेंट क्या है? इन एनी डिटरमिनेंट, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, value of the determinant is zero.
इसका स्टेटमेंट क्या है, इन एनी डिटरमिनेंट इफ एनी रो और एनी कॉलम हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका सीरियल नंबर के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट। यस, इन एनी डिटरमिनेंट इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज then the value of determinant remains unchanged, means all rows को columns कर दीजिए, columns को rows कर दीजिए, value change नहीं होती, same ही रहता है। देखा था मैं, next property देखिए, 241, 312, 211, उसको हम ऐसा लिख रहे हैं, 241, 312, 211, क्या क्या हमने चिल्डर रोज को कॉलम्स कर दिया है, कॉलम्स को रोज, ये देखिए 241 रो में है कॉलम में आ गया, 312 रो कॉलम हो गया, 211 रो कॉलम, मींस हमने चेंज कर दिया है रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम है। चेक कीजिए आप, एक्सपेंड कीजिए इसको, दिस इक्वल टू 211 माइनस 4 3221 प्लस 1 3211, now it is 2, 1 minus 2 it is minus 1, children 3 minus 4 it is minus 1, 3 minus 2 it is 1, minus 2 plus 4 plus 1, minus 2 plus 5 is 3, okay, RHS just check it here, after expanding right hand side, again you will get the same, see how it is children, इसका एक्सपेंशन टेक टू, ये देखिए रो एंड कॉलम कैंसिल, 1211 माइनस 3 4111 प्लस 2 4112, एम आई राइट, अगेन चेक कीजिए, दिस इज 2, 1 माइनस 2 इट इज डायरेक्ट माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 1 7, दिस इज माइनस 2 माइनस 9 प्लस 14, माइनस 11 प्लस 14 आई थिंक 3, देखिए मैच हो रहा है, मींस अभी जब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो सम टाइम्स यू हैव टू इंटरचेंज, तो नो नीड टू सॉल्व इट डायरेक्टली, वी शैल इंटरचेंज, और लास्ट में लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी। ये थ्री प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी टू रोज इन एनी डिटरमिनेंट if any two rows or two columns are interchanged then kya hoga, the value changes in sign only, yani dono ke value mein sirf minus sign ka difference hoga, maan lijiye first se aaya plus 4 to change karne ke baad kya aayega minus 4, agar first se aaya minus 10 to change karne ke baad kya aayega plus 10, what I told, in any determinant if any two rows or two columns are interchanged, jaise r1 r2 hai हमने चेंज कर दिया R2 R1, C2 C3 है हमने चेंज कर दिया C3 C2, देन दोनों के वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा, ओनली नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा, उसको भी आप देख लीजिए, सी हियर द एग्जांपल 247 121 223, ओके, अब देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, 121, 247 and 233. What we have done? क्या हो गया? What happened? नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, आप इधर भी देखते रहिए। ये दोनों देखिए, ये दोनों हमने इंटरचेंज किया। Sorry, 223. देखिए इन दोनों को इंटरचेंज किया, right? तो दोनों के वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा? माइनस साइन का डिफरेंस आना चाहिए। See how it is? Check कर लीजिए। First we expand this children, take 2, 2123 minus 1, 4723 plus 2, 4721. ये तो पता है ना आपको method, when we are taking this, these two get cancelled, we are getting this one here, similarly second में ये cancel these two, third में ये cancel these two, now this is 2, पहले यहां से आएंगे 6, अब वहां से जाएंगे 6 minus 2, 4, 12 minus 14 minus 2, 4 minus 14 minus 10,
now it is 8 plus 2 and this is minus 20 and it is minus 10. It means children इसका आंसर 10 आना चाहिए. ये डिफरेंस है ना, माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10. आफ्टर सॉल्विंग दिस राइट हैंड साइड वी मस्ट गेट 10 ओनली. वी चेक इट अगेन, दिस इज 1 4 7 2 3 माइनस 2 2 1 2 3 प्लस 2 2 1 4 7 एक्सपेंड करेंगे. 12 माइनस 14 माइनस 2 6 माइनस 2 4 14 माइनस 4 10 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 20 एंड आई थिंक इट इज प्लस 10 व्हिच इज करेक्ट. ये देखिए ठीक चल रहा है, अब तक क्लियर है. एक और प्रॉपर्टी है, अभी तक क्या क्या देखा आपने, इन एनी डिटरमिनेंट इफ एनी वन कॉलम और वन रो हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0 द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0. Then, in any determinant, if any two rows or two columns are identical or the same, the value of the determinant is 0. Next, in any determinant, if rows and columns are interchanged, then the value remains unchanged. Recent thing, in any determinant, if any two rows or two columns are interchanged, it changes in sign only. अभी last में क्या हो रहा चलो? कभी कभी क्या होगा, इंटीग्रल में डबल टर्म आएंगे डिटरमिनेंट के अंदर, सॉरी नॉट इंटीग्रल, देन यू कैन सेपरेट इट. ठीक है, ऐसा है ये x प्लस ए बी वन सी वन, एक्स प्लस बी बी टू सी टू, एक्स प्लस सी बी थ्री सी थ्री. सपोज ऐसा डिटरमिनेंट है, यू कैन कन्वर्ट दिस डिटरमिनेंट in the form of sum of two determinants. कैसे? दो determinant में आप इसको convert कर सकते हैं. method क्या है? ये split हो जाएगा. x यहाँ भी x, यहाँ भी x. और second में आ जाएगा a b c. remaining जो single है वो वैसे ही रहेगा दोनों में. ये same रहेगा चलो. only double term will be removed. it will be converted into single one. again दिखाएंगे आप. दोनों की वैल्यू सेम आती है. अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर सीधे सीधे ऐड कर देंगे ना. चिल्ड्रन जब प्रॉब्लम आएगा तो उसमें इंटीजर नहीं होगा, प्रॉब्लम से अल्फाबेटिकल आएंगे ऐसा. तो इन अल्फाबेटिकल यू कांट ऐड एक्स प्लस ए, यू कांट ऐड एक्स प्लस बी. तो वी हैव टू डू लाइक दैट. अब इसके देखिए एक एग्जांपल. 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 2 और यहाँ पे 2 3 4 1 1 2. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी. चलो मैंने क्या कहा इसको कैसा लिखना चाहिए, दिस इक्वल टू दो डिटरमिनेंट आएंगे, फर्स्ट में सभी फर्स्ट आ जाएगा 3 5 6, सेकंड में ये सब सेकंड आ जाएगा 2 1 2, रिमेनिंग 2 4 1 3 1 2 2 4 1 3 1 2. ऐसा लिख सकते हैं. तो भी आपके माइंड में होगा कि सर ये सेम आता है, 100% आता है. ऐसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं. देखिए 3 4 1 1 2 माइनस 5 2 3 1 2 प्लस 6 2 3 4 1. ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड में आइए 2 4 1 1 2 माइनस 1 2 3 1 2 प्लस 2 2 3 4 1. ठीक है, सॉल्व करेंगे 3 चिल्ड्रन 8 माइनस 1 7 4 माइनस 3 1 2 माइनस 12 माइनस 10 8 माइनस 1 7 4 माइनस 3 1 2 माइनस 12 माइनस 10. Am I right? And now after this,
it is 21 minus 5 minus 16 plus 14 minus 1 minus 20. Children, 21 and 14 plus plus add कर दीजिए, 35 हो गया, ये 65 and 21. I think minus 86, right? अब इसको subtract कीजिए, minus 51 आ रहा है. अब आप इनको solve करके देखिए, ऐसे ही आ रहा है क्या? 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 5. Determinant cancel हो गया, 4112. 5 और 1, 6, 2, 3, 1, 2, 6 और 2, 8, 2, 3, 4, 1. Solve कीजिए. 8 minus 1, 7, 4 minus 3, 1, 2 minus 12, minus 10, 35, minus 6, minus 80, 35, minus 86, minus 51. रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज, टू रोज टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, मोस्टली ये दोनों सबसे ज्यादा यूज हो. जब भी आपको टू रोज टू कॉलम्स इंटरचेंज करना है, यू कैन इंटरचेंज, बट यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन. और व्हेन टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज सी. कीप इन माइंड चिल्ड्रन, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, R1, R2, ठीक है. चलिए नाउ राइट द स्टेटमेंट, वो आप लिख लीजिए. स्टेटमेंट लर्न नहीं करना है सिर्फ आपको, जस्ट यू हैव टू रीड. राइट डाउन नंबर 1, आपने लिखा सर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सी लाइन, लेट कमर्स कॉर्नर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. नंबर 1 देखिए, इफ ईच एंट्री इन एनी रो राइट ऑन नंबर 1 डालिए, फर्स्ट नंबर है सर. इफ ईच एंट्री इन एनी रो, उसके बाद ब्रैकेट में और कॉलम, ऐसा. If each entry in any row, then after bracket a or column of a determinant is zero. Then the value of the determinant. Why you have not written Mr. Second Last Bench? If each entry in any row or column of a determinant is zero, then the value of the determinant is equal to 0, then the value of the determinant is equal to 0. Number 2, second number mein aaiye. If rows and columns of a determinant are interchanged, if rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant remains unchanged. Please check it up. If rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant remains unchanged. Number 3, if any two rows, उसके बाद bracket में और columns, ये देखिए ऐसा, if any two rows bracket में और columns of a determinant are identical, identical को underline कीजिए, are identical, then the value of the determinant is zero.
सर आप स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं? नहीं वो तो आपने अपने हिसाब से लिखा ना, व्हाट एवर आई रियली क्वेश्चन राइट टू स्टार्ट टू गो द वे। नंबर 5 होगा, 4 होगा, 4 सॉरी 4 में मिस्टेक हो गया मुझको लगता है। चेक कीजिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। मैंने रॉन्ग लिखवा दिया आई थिंक। थ्री की बात कर रहे हैं। नंबर 3 चेक कीजिए प्लीज। नंबर 3 में आइडेंटिकल रहेगा तो 0 होगा। नंबर 3 में वो दिया क्या? अच्छा ठीक है, 3 को चेक कीजिए। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, नाउ राइट नंबर 4। इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज उसके बाद ब्रैकेट में जैसे है और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। सेकंड में क्या दिया हमने आपको? ये नंबर 2 डिफरेंट है ना, दोनों में डिफरेंट है ना, उसमें लिखा हुआ है रोज एंड कॉलम्स और यहाँ पे एनी टू रोज एंड कॉलम्स, वहाँ पे कैसा है रोज एंड कॉलम्स है, और रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स और कॉलम्स कन्वर्टेड इनटू रोज देन नो चेंज इन वैल्यू, और यहाँ पे कैसा है एनी टू रोज ऑफ कॉलम्स, दोनों में डिफरेंट है। नंबर 5 द लास्ट वन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ब्रैकेट में और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ब्रैकेट में और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स, ये देखो ना चल रहा है ऐसा है ना, सम ऑफ टू नंबर्स then the determinant can be expressed as the sum of two determinants sum of two determinants underline कर दीजिए, and you put example also here a1 plus x1 b1 plus y1, नीचे line change करके example add कर दीजिए, c1 plus z1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसको देखिए कैसा लिखेंगे, दिस इक्वल टू दो डिटरमिनेंट आएंगे प्लस यहाँ पे a1 b1 c1, हियर इट इज x1 y1 z1, रिमेनिंग नो चेंज, दोनों में सेम आएंगे a2 b2 c2 a3 b3 c3, हियर ऑल्सो a2 b2 c2 a3 b3 c3, से फर्स्ट स्प्लिट हो जाएगा, ये a1 b1 c1 फर्स्ट में आ गया, x1 y1 z1 सेकंड में, भी एग्जांपल भी दिया था मैंने। और नाउ राइट प्रॉब्लम्स, सब्ट्रैक्शन माइनस रहेगा, सब्ट्रैक्शन का नहीं होता है,
एडिशन में आता है, कोई देखिए ना प्रॉपर्टी में लिखा हुआ सम ऑफ एस यू एम सम है, उस सम के लिए ही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन विदाउट यूजिंग राइट द हेडलाइन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के विदाउट मैंने विदाउट के बाद कुछ बोला है नहीं ना, यूजिंग कर के ये विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स शो दैट without expanding the determinants show that, dusra isi ka question or another way to ask, or using the properties of determinants, using the properties of determinants show that, using the properties of determinants show that, please see very carefully. Question number one. Determinant is sign x plus y, y plus z, z plus x. First row mein, second row z x y. Third row 1 1 1. Equal to 0. ठीक है जी ना, एलएचएस से हम लोग प्रोसीड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेट डी इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं बट आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव एलएचएस, बहुत ही केयर लीजिए आप, इंटरेस्टिंग है। सिंगल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, अब क्या करोगे एक्सपेंड कर दोगे जीरो आ जाएगा लेकिन मार्क भी जीरो मिल जाएगा आपको, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग करना है इट मीन्स प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, और सबसे पावरफुल दो प्रॉपर्टी है, नंबर वन एनी टू रोज टू कॉलम्स आइडेंटिकल, ये सबसे ज्यादा यूज होगा ये, एंड नंबर टू इफ इंटरचेंज एनी टू रोज कॉलम इट चेंजेस इन साइन ऑफ, तो आपको ये देखना है कि इसमें से दो कॉलम सेम कैसे करते हैं, एनी टू कॉलम्स और टू रोज, उसके लिए जो मेथड है चल रहे उसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसमें भी दो वैरायटीज हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है आपको पता है सिक्स नेम्स हैं यू नो वेरी वेल आर वन आर टू आर थ्री सी वन सी टू सी थ्री, आप रोज में हैं आप जो बैठे हुए हैं यू आर इन रो टीचर इज कॉल उस टाइम पे, ठीक है कन्फ्यूज नहीं होगा, तो होता क्या है यू आर वर्किंग फॉर कॉलम राइटिंग रो, you are working for row writing column and the mark will be reduced, okay clear ho gaya, ab ye elementary transformation kisko kehte hain, you can add any two rows, you can add any three or three rows or three columns, subtract kar sakte hain multiply kar sakte hain, you can do all these things, iska naam hai elementary transformations। ab idhar dekhiye children ye to alag hi dikh raha hai odd man 1 1 1, agar hum in dono ko add kare to kya hota hai, एक्चुअल लॉजिक क्या है यू हैव टू कन्वर्ट एनी रो एनी कॉलम ऑल एलिमेंट्स, इधर देखिए आप लिख सकते हो अगर हम आर वन में आर टू ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, ये देखिए दिस प्लस दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे आ जाए, उसको भी ऐड कीजिए वाई प्लस जेड प्लस एक्स रीअरेंज कीजिए वही आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसको भी ऐड कीजिए जेड प्लस एक्स प्लस वाई ये भी वही आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड चिल्ड्रन यू नो in determinant you can take common from any column from any row, किसी भी row column से आप common ले सकते हैं, किसी भी row column में आप multiply कर सकते हैं, तो ये तीनों same हो जाएंगे common हो जाएगा, जब आप common बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये भी है 1 1 1, two rows identical हो गया, determinant की value zero हो गई, आगे चल सकते हैं। Students क्या करते हैं exam? Many students तो पढ़ते नहीं हैं। इसको एक्सपेंड कर देते जीरो तो आएगा इक्वल टू आरएचएस हो गया लेकिन मार्क नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग और यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब इसको लिखेंगे कैसे चिल्ड्रन वो देखिए आप, बाय आर वन इसको हम लिखने जा रहे हैं आर वन प्लस आर टू, ये स्लोली आपको लिखना आ जाएगा, इसकी मीनिंग है कि आर वन को हम लोग अब आर वन प्लस आर टू करने जा रहे हैं, ये R1 है आपका और ये R2 है, अब R1 की जगह आपको क्या करना है R1 में R2 ऐड करके लिखना है, ये देखिए
ये हो गया x plus y plus z, ये भी हो गया x plus y plus z, rearrange कर दिया direct x plus y plus z, then z x y, one इसमें ये add हो गया चलो ना ऐसे, ये जो r1 है ना इसको हम चेंज कर रहे हैं, एरो लगाया मैंने, कैसा चेंज कर रहे हैं, उसमें r2 ऐड कर रहे हैं, बस यही एक स्टेप आपको समझना है। और अब कॉमन लेंगे, कुछ लिखना नहीं है, टेकिंग कॉमन नॉट रिक्वायर्ड। ये देखिए चिल्ड्रन x plus y plus z कॉमन ले रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, देखिए टेकिंग x plus y plus z as common, not necessary to mention, ये बाहर आ गया, this is 1 1 1 z x y 1 1 1 और इसके बाद चिल्ड्रन x plus y plus z into 0 और यहाँ पे रीजन लिखना है as r1 and r3 are identical, as r1 and r3 are identical and finally this into 0 0 equal to rhs henceforth. प्रॉपर्टी में हमने बताया आपको इफ एनी टू रोज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो, तो यहां पे r1 r3 सेम आ रहा है तो जीरो ही हो जाएगा, r1 r3 r2 r3 r3 r1 c1 c2 c2 c3 c1 c3 एनी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 डिटरमिनेंट साइन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 1 cos square x sin square x 1 minus 10 12 2 equal to 0, जब भी RHS में 0 आए चिल्ड्रन आप समझ जाना कि वही प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलम sin square x cos square x minus 10, सेकंड कॉलम cos square x sin square x 12 एंड द थर्ड कॉलम 1 1 2 सिमिलर क्वेश्चन है, राइट डाउन LHS, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 10 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 12 1 1 2 RHS में क्या है चिल्ड्रन 0, इट मींस दो कॉलम को आपको सेम बनाना है, आइदर टू कॉलम्स और टू। चलिए यहां देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होता है, ऐड करके देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे मार्केट में वन के लिए फेमस है, देखिए मैच हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ये भी मैच हो गया माइनस 10 प्लस 12 2 नहीं मालूम है बताइए ना 2 ये भी मैच हो गया, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम हो गया फिर से 0 हो जाएगा, ये बात समझ में, रो में भी कर सकते, रो में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सेम नहीं आएगा ना सर, ये वन हो गया, ये वन हो गया और ये टू हो गया, मैच नहीं हो रहा, मैच होना चाहिए था, ओके, कॉमन, कैसे बाहर लेंगे सर आप, तीनों में है क्या, कॉमन कब होता है जब तीनों में होना चाहिए, ये देखिए ये साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर है वन है आठ साइंस कॉमन से डायरेक्ट कैसा हो जाएगा, कॉमन का मतलब होता है सभी में होना चाहिए, ये देखिए हमने कॉमन लिया था डेट वाज देयर नो सिर्फ ऐसे ही होगा दूसरा कोई मेथड नहीं लगेगा, सिर्फ दूसरा मेथड वही है एक्सपेंड कर दीजिएगा आप RHS को आ ही जाएगा लेकिन लेफ्ट साइड में जीरो बड़ा सा, ठीक है देखें कैसे, देखो इधर इसको चेंज कर रहे हैं आप C1 को, देखिए कैसा चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 means in place of C1 आप क्या लिखने वाले हो C1 plus C2 लिखना है आपको right now direct पर नहीं करना है step भी चाहिए sin square x plus cos square x plus sin square x हाँ यहाँ पे चलेगा minus 10 plus 12 2 और remaining copy सिर्फ C1 change हो रहा है ना
cos square x sin square x 12 1 1 2. And now it is children 1 1 2. This is cos square x sin square x 12 1 1 2. Now देखिए children, first column और third column आपका match हो गया है, identical हो गया है. So this equal to 0 as C1 and C3 are identical. ये लिखना compulsory है. And this equal to RHS, 2 marks question है. Fully as a, is it clear? Is doubt there? Question number 3 में आइए. 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, A, B, C. Tell me if any doubt, children, you ask the question. One upon A, one upon B, one upon C, A, B, C, B, C, C, A, B. Trick is question. Okay, this is the 2 marks question, but it has some trick. First write LHS. More attention required, children. 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. A, B, C. B, C, C, A, A. This mark of children, sabhi column rows alag alag hai bilkul. Kahin se koi matching ho hi nahi raha. Theek hai? Kya kaha aapne separate? कुछ भी बोलते सर आप, सेपरेट कब होता है जब सम ऑफ टू जाएगा, क्या कुछ है कैसा, कुछ भी नहीं बोलते. सेपरेट कब होता है प्रॉपर्टी देखिए, जब सम ऑफ टू जाएगा. ट्रिक है, मैंने पहले ही कहा ना स्टार्टिंग में ही ट्रिक है. चलो यहाँ देखिए आप पहले बोर्ड पे 1 अपॉन ए बी सी इंटू ए बी सी, पहले बोर्ड पे देखिए, डोंट राइट. सिर्फ देखिए आप क्या टेक्निक है क्वेश्चन में, व्हाटएवर आई हैव रिटन करेक्ट है क्या वो आपको बताना है. हमने क्या लिखा है वो देखिए, सही लिखा है या नहीं लिखा है. क्या प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, एबीसी से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल हो रहा है कि नहीं. एबीसी एबीसी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो, वही आ गया. इज इट क्लियर, कुछ डाउट है क्या इसमें, क्यों क्या है अभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, अभी तक नो प्रॉब्लम. और अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 अपॉन एबीसी वैसे ही रखेंगे सेम. अब चिल्ड्रन यहां तीन है देखिए, एबीसी, ए से हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, बी से सेकंड में करेंगे और सी से थर्ड में करेंगे. प्लीज सी वेरी केयरफुली, आप एबीसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, अदरवाइज ए से फर्स्ट रो, बी सेकेंड रो, सी थर्ड. तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वन हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए बी सी हो गया, ये वन हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ए बी सी हो गया, ये वन हो गया, सी स्क्वायर हो गया, ए बी सी हो गया. अब सर ये सब क्या कर दिया आपने, देखिए इधर आप, ए से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया, बी से सेकंड में किया, सी से थर्ड में किया. चेक कीजिए, मैंने आपसे कहा यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी कॉलम एनी रो, यू कैन मल्टीप्लाई टू एनी कॉलम एनी रो. ओके, ए से हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया है, इधर भी कर सकते हैं बट यहां से करना होगा क्योंकि डबल ए आ रहा ना. ए से इसमें मल्टीप्लाई करो ना, ए इंटू वन अपॉन ए कितना होता है 1, ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, ए इंटू बी सी क्या होता है ए बी सी, देखो लिखा हुआ है. बी से मल्टीप्लाई करो, बी इंटू वन अपॉन बी 1, b into b b square, b into c a a b c. c से मल्टीप्लाई करो, 1 upon c into c 1, c square a b c. आप कॉमन लेकर चेक कर लो, वही आ जाएगा सेम. और अब चलो देखो a b c सेम आ गया, ये देखिए आप, टेक a b c कॉमन, बहुत ही फनी सॉल्यूशन है इसका. ये देखिए a b c कॉमन हो गया, 1 1 1 a square b square c square 1 1 1 और ये दोनों चले गए और अब ये जीरो हो गया. क्रेडिट गोज टू एस सेवन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल.
जीरो लाना भी कुछ आसान नहीं है, जो लोग लाते हैं उनसे पूछिए आप, इक्वल टू आर एच एस, यहाँ भी जीरो ही लाना था, देखिए लिख लीजिए पहले फिर एक्सप्लेन करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, पहले बराबर लिखिए आप, पहले ही मैंने बता दिया था ना ट्रिक है, इसके अंदर स्टार बना दीजिए, याद रखना है कि एबीसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, आफ्टर दैट ए से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, बी सेकंड, आपने ऐसा एरो लगाया है एग्जाम में नहीं करना पर अभी ऐसा एरो यूज कर लीजिए, सो दैट नो डिफिकल्टी एट ऑल, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 43 35 17 173, नो डिस्कशन, 6420, फिर से वापस जीरो आया, चलो हेलो 43 एकदम परमानेंट मार्कर से नाम लिख दो आप फिक्स, एक महीने तक आपके से क्लियर है, 43 35 17 173 642 इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन एक्सपेंड ऑलरेडी नहीं है, राइट एल एच एस 43 35 17 173 642 इस बार भी तीनों रोज तीनों कॉलम्स बिल्कुल अलग अलग है, यूके यूएसए दुबई ऐसे डिफरेंट, बराबर है, अब आपको सोचना है कि कैसे सेम किया जाए, देखिए इधर ये सबसे लोवेस्ट दिख रहा है सेकंड वाला, टॉकिंग नहीं, मोबाइल यूज हो रहा है सर, क्यों यूज कर रहे मोबाइल, हाँ अब तो लेक्चर एक बार ऑन करके रख दो ना, और ऑन उस वक्त आपको समझ में आना चाहिए ना कि वीडियो ऑन है कि ऑफ है, ये बताने की जरूरत है, देखिए चल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये जो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ऑड लगते हैं, और स्टार्टिंग में जब कोई भी नए पॉइंट्स पे आप जाते हैं, चाहे आप विजिट करने के लिए जाइए, एडमिशन लीजिए, यू रिमेंबर फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ महाबलेश्वर, फर्स्ट डे ऑफ एमजी रोड, काफ़ी डिफरेंस था, तो वैसे ही होता है, फर्स्ट डे ऑफ डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डे ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्वेश्चन, पर डरना नहीं है, आपको कोई क्रेडिट नहीं है, मुझे भी कोई क्रेडिट नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग बैक डिटर्मिनेंट टॉपिक आया है और वही पढ़ना है, वही पढ़ाना है, किसी को कोई क्रेडिट नहीं है, मल्टीप्लाई कर दे तो 42 हो जाएगा, जरा इनको देखिए 7 × 4 जल्दी जल्दी बोलिए 28 और उधर देखिए 35 है क्या, 35 माइनस 28 घुमा रहे आप इधर, घुमाना ही पड़ेगा ना आपको, तभी तो शांत है क्लास, तो बात कितनी बातें करते हैं, रिकॉर्ड पीट है, तो क्या करेंगे सबसे पहले थर्ड कॉलम में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या कहा मैंने, you can add the column, you can subtract the column, you can multiply by any integer, but keep in mind you have to multiply the whole column, jaise c1 mein multiply to c1 mein pura c1 mein multiply hoga, dekhiye kya likhenge, by c3 ko children 7 × c3
ऐसा. सो दिस विल बी 43 35 17 इसको मार्क कीजिएगा 173 मल्टीप्लाई करो सॉरी 42 28 एंड 40 मल्टीप्लाई हो गया C3 और अब लिखेंगे बाय C1 C1 को क्या कर रहे हैं C1 माइनस C3 ये देखिए ऐसा सबट्रैक कर रहे हैं क्या हो जाएगा 43 माइनस 42 1 45 माइनस 28 7 17 माइनस 14 3 एंड नाउ टेंशन गो ये देखिए चिल्ड्रन दोनों सेम आ गया आइडेंटिकल दिस इक्वल टू 0 एज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल ये नेम चेंज होता रहता है कभी C1 C2 C2 C3 C1 C3 एंड दिस इक्वल टू आर एच आप घर पे चेक करके एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं बोलिए सर अरे भैया अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसे लिख देंगे तो क्या फर्क कर सकते हैं और हम चाह रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बना दे तो टेस्ट हो तो उसमें मार्क 2-3-4 नहीं आना चाहिए लिख सकते थे C1 माइनस 7 C3 और थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ना अभी स्टूडेंट्स को सॉरी डायरेक्ट ऐसा कैसे कर दिया इसके पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऐसा एक बार परफेक्ट हो जाएंगे नो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में 2 मिनट तो स्लो स्लो चला रहे थे अभी बराबर है तो वैसे ही है ना लिख सकते हैं C1 माइनस 7 C3 बट आपको थोड़ा सा और लगेगा सर कैसे याद रहेगा ऐसे ही तो 7 C3 में आप टेंशन में हैं सर 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया 9 से क्यों नहीं किया 5 से क्यों नहीं किया लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके और जब स्टेप्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आप 2 लाइन में प्रूफ कर दिया चिल्ड्रन कभी आपको 4 नहीं मिलेगा आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए 4 मार्क्स का 2 लाइन में 4 मार्क्स क्या है तो देयरफॉर कुछ स्टेप्स को भी मार्क्स होते हैं उसके भी केयर लेना बट यहाँ पे ट्रू है 2 मार्क का क्वेश्चन इज इट राइट तो चिल्ड्रन एक पॉइंट से याद रखिए कि आरएचएस में जब भी 0 आता है यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कोई भी 2 कॉलम्स या 2 रोज आइडेंटिकल होना चाहिए वो होना ही होना है जब तक नहीं होगा 0 नहीं आएगा याद रखिएगा इसलिए सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है और जितने भी क्वेश्चन हमने भी लिया है सब देखिए 0 से है और स्टार्टिंग में बिल्कुल कंफर्टेबल था आराम से आ गया थोड़ा सा और चेंज हो गया फिर अभी और चेंज इससे पहले का जो क्वेश्चन है चलन वो कई बार एग्जामिनेशन में आया है अंडरस्टैंड लेकिन आरएचएस उसका 0 हम लोग नहीं डालते हैं एमसीक्यूज में आंसर में 0 नहीं डालते हैं क्योंकि वो तो सबको याद रहता है 0 लिखते हैं 0 की जगह चेंज करके डाल देते हैं आप बोलेंगे सर क्या चेंज कर देते सर डिटरमिनेंट बना के डाल देते इसको सॉल्व करके बोलो जल्दी बोलने लगता बोल्डली बोलना चाहिए ऐसा जीरो तो जीरो नहीं रहेगा उसके बदले में डिटरमिनेंट रहता है क्योंकि क्वेश्चन तो याद है सबको वो देखने के बाद चिल्ड्रन देखते ही समझ जाते हैं जीरो वाला क्वेश्चन आ गया तो जीरो नहीं डालते हम लोग जीरो की जगह एक डिटरमिनेंट बना के डालते हैं एंड दैट डिटरमिनेंट इज आल्सो इक्वल टू प्रॉपर्टी जो हमने आपको लिखवाया है वो रीड लर्न नहीं करना है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइन प्रॉपर्टी फॉर विद एग्जांपल और डिफरेंशिएट और द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 4 नॉट लाइक दैट ओनली उसका कांसेप्ट माइंड में होना चाहिए कि प्रॉपर्टी मींस लाइक दिस और वो होना चाहिए बोलिए सर हम किसी एक रो और कॉलम को काफी डिफिकल्ट होता है दैट्स वेरी डिफिकल्ट तो नॉर्मली इसी में जाना है और वो कभी कभी नहीं भी होता है जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप 0 होगा ही इम्पॉसिबल तो जब भी ऐसा होगा तो इन्हीं 2 रोज 2 कॉलम्स आइडेंटिकली आते हैं मतलब सेम करना है अभी देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था फर्स्ट रो में सेकंड रो हमने ऐड कर दिया सेम आ गया सेम लाने के लिए चिल्ड्रन आपको वर्क करना है और जैसे ही सेम आ गया दैट विल बिकम कॉमन और कॉमन जैसे हो गया तो वो दूसरे वाले कॉलम से सेम हो जाएगा कुछ नहीं है थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप उसको निकालिए प्रैक्टिस कीजिए डेफिनेटली Thank you.
लिटरली सब जर्नल